हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको ट्विन्स और सिंगल प्रेगनेंसी के बीच डिफरेंट बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहला डिफरेंट वो है पेट को लेके। ट्विन्स प्रेगनेंसी में सिंगल की अपेक्षा पेट बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। और मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सभी का पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो। कुछ महिलाओं का बहुत ज्यादा बड़ा होता है बट कुछ का नहीं भी होता है। ये आपके बच्चे का वेट किस हिसाब से बढ़ता है एंड आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कितना रहता है, और आप जो है बहुत ज्यादा लंबी हैं या फिर आप कम हाइट वाली हैं एंड आपकी बॉडी किस टाइप की है, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी चिंता ना करें। 32 वीक्स की ट्विन्स प्रेगनेंसी सिंगल प्रेगनेंसी के 40 वीक के बराबर लगती है। यानी कि ट्विन्स प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर आप एक चीज नोटिस करेंगी कि जैसे आपका 8वां महीना चल रहा हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका 9वां महीना चल रहा हो। और दूसरा डिफरेंट जो रहता है वो होता है बहुत ज्यादा थकान एंड बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होना। अगर आपकी ये सेकेंड ट्विन्स प्रेगनेंसी है तो आप एक चीज नोटिस करेंगी कि सिंगल प्रेगनेंसी में आप पूरे टाइम एक्टिव रह सकती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम कर सकती हैं, आपको कोई बहुत ज्यादा थकान नहीं होती है। लेकिन ट्विन्स में ऐसा नहीं होता है। ट्विन्स का जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आप नोटिस करेंगी आप कोई काम भी नहीं करती हैं, आप बैठी रहती हैं, फिर भी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और सिंगल प्रेगनेंसी में किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, किसी को नहीं भी होती है, बट ट्विन्स में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी किसी को तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको शुरू से लेके एंड तक रहती है। ट्विन्स प्रेगनेंसी में बॉडी में हार्मोन बहुत ज्यादा होते हैं जिस वजह से आपको ये समस्या होती है, और आपका वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ता है सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा। और ये बढ़े हुए हार्मोन्स ट्विन्स प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा मेंटली और फिजिकली परिवर्तन करते हैं। और ट्विन्स प्रेगनेंसी की वजह से आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लड हो जाता है और आपके शरीर में अन्य तरल पदार्थों की भी मात्रा बढ़ जाती है जिस वजह से आपका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। और तीसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्सरसाइज को लेकर। सिंगल प्रेगनेंसी में आप पूरे टाइम एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल कर सकती हैं, बट ट्विन्स प्रेगनेंसी में आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। ट्विन्स प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर आपको एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बस आप हल्के पुल्के योगा कर सकती हैं और आप ज्यादा से ज्यादा टहल सकती हैं। और चौथा जो डिफरेंस होता है वो होता है रिस्क को लेके। सिंगल प्रेगनेंसी के अपेक्षा ट्विन्स में बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है। आप ट्विन्स प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, बट आपको ट्विन्स प्रेगनेंसी को एक हाई रिस्क कैटेगरी में रख के ही चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है वो एक से अधिक बच्चे एक साथ जन्म देने के लिए नहीं होता है, फिर चाहे अधिक बच्चों को जन्म देना कितना भी नॉर्मल क्यों ना हो। सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा ट्विन्स में आपको बार बार चेकअप एंड अल्ट्रासाउंड एंड बार बार डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और आपको सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा ट्विन्स प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है। आपको एक दिन में कम से कम 12 से 16 कप पानी जरूर पीना चाहिए। आपको सिंगल की अपेक्षा ट्विन्स प्रेगनेंसी में पहले से ही तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि 54% ट्विन्स ऐसे होते हैं जो टाइम से पहले ही जन्म लेते हैं, जिस वजह से आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट से या फिर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर की शुरुआत से ही पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और आपको इमरजेंसी सी सेक्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। और आठवां जो डिफरेंस होता है वो होता है सिंगल प्रेगनेंसी के अपेक्षा ट्विन्स में आराम करने की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप सिंगल प्रेगनेंसी में दिन में सिर्फ 2 घंटे आराम करें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप ट्विन्स प्रेगनेंसी में आप एक चीज नोटिस करेंगी कि आपको बढ़ते टाइम पर ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल आराम करें। सिंगल प्रेगनेंसी में पूरे टाइम एक्टिव रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन ट्विन्स प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर आपको जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपको एक्टिव रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा ट्विन्स में आपको बहुत ही ज्यादा केयर एंड बहुत ही ज्यादा देखभाल और बहुत ही ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है, जो कि आपको जरूर रखनी चाहिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही मैं बेल आइकन भी दबा ले ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।